हेलो एवरीवन, मैं मानसिंह नारवाल आप सभी का एटीएस स्कूल बांसुर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं लैंगिक जनन की फोर्थ इवेंट के बारे में, जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है। आज हम लैंगिक जनन की अंतिम घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस, आप नाम से ही देख रहे हैं, भ्रूण प्लस उद्भवन, भ्रूण का उद्भव होना, भ्रूण का विकसित होना, भ्रूण का परिवर्तित होना। यानी जीव में युग्मनज बनने के बाद क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो युग्मनज से भ्रूण के बनने की जो क्रिया है उसको हम भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। आप जानते हैं कि युग्मनज से क्या बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। युग्मनज का निर्माण तो हुआ निषेचन से, जो कि कैसा हुआ, द्विगुणित। और इसके बाद यही युग्मनज है कई प्रक्रियाओं से गुजरकर क्या कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर देता है, जिसको अपन एम्ब्रियो भी कहते हैं। आपने यहां पर देखा है कि युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, और युग्मनज से भ्रूण के बनने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं, भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव के नाम से जाना जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, इसे भ्रूणोद्भव भी बोल सकते हैं, युग्मनज से भ्रूण के बनने की क्रिया को। हम सीधा बोलेंगे युग्मनज से क्या बन रहा है, भ्रूण, और ये बनने की जो क्रिया है क्या कहलाएगी, भ्रूणोद्भव के नाम से जानी जाती है। तो इसे मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप ऐसे समझ जाएंगे कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मनज से भ्रूण के बनने की क्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि ये युग्मनज जो है भ्रूण कैसे बना, ये आपके दिमाग में प्रश्न उठता है। तो आप समझिए, युग्मनज जो है इसमें निरंतर विभाजन एवं विभेदीकरण की क्रिया चलती रहती है। तो युग्मनज में जो विभाजन होते हैं उन विभाजनों से क्या होगा, भ्रूण की वृद्धि होती है। युग्मनज में जो विभाजन होते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी समसूत्र विभाजन होते हैं, युग्मनज में विभाजनों द्वारा भ्रूण के शरीर की वृद्धि होती है, उसका आमा, उसका आकार बढ़ता है। और जब युग्मनज में विभाजन द्वारा अनेकों कोशिकाएं बन जाएंगी तो उन कोशिकाओं में अगली प्रक्रिया क्या शुरू होगी, डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण। विभेदीकरण की क्रिया द्वारा जो बनने वाला एक भ्रूण है उसमें उसके आंतरिक एवं बाह्य अंगों का विकास होता है। भ्रूण के अंगों का विकास, नाक, कान, आंख, मुंह, जीभ, हाथ, हृदय, फेफड़े, यकृत वगैरह जितने भी भ्रूण के आंतरिक और बाह्य अंग होते हैं, उन अंगों का विकास विभेदीकरण की क्रिया के द्वारा होता है। तो इस तरह से आप जानेंगे कि युग्मनज से अंततः क्या हो जाता है, एक भ्रूण का विकास हो जाता है, और वह भ्रूण पूर्णतः परिपक्व एवं एक निश्चित समय के पश्चात भ्रूण एक परिपक्व एवं विकसित शिशु में परिवर्तित हो जाता है। यह अवधि के दौरान होता है, जिसे अपन गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, गर्भावधि कहते हैं। तो गर्भावधि पूर्ण होने के पश्चात जो भ्रूण है एक परिपक्व एवं विकसित शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। दूसरी बात यहाँ पर हम करते हैं कि जो भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास वह भ्रूण
दो भागों में विभाजित किया गया है। ये दो भाग हैं, नंबर एक अंडप्रजक, जिसे हम ओविपेरस भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले ऐसे जंतु जिनमें भ्रूण का विकास अंडे के अंदर होता है, यानी निषेचन हुआ आंतरिक, लेकिन मादा प्राणी जो है उसके शरीर के अंदर भ्रूण का विकास नहीं हो रहा। भ्रूण का जो विकास है ये मादा प्राणी के शरीर से बाहर अंडे के अंदर होता है। तो मादा प्राणी है वह क्या देती है? अंडे देती है। तो ऐसे ही वे जीव जिनमें मादा प्राणी अंडे देती हैं, यानी निषेचित जो युग्मनज है वह अंडे के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मादा प्राणी वह निषेचित अंडा ही अपने शरीर से बाहर त्यागती है। परिणाम स्वरूप उसी अंडे में क्या होता है? उसी अंडे में निवेशन अवधि के पश्चात जिसे अपन कह सकते हैं कि मादा प्राणी उसको उष्मायन देता है, अपने शरीर की उष्मा देता है। अंडे में निवेशन अवधि के पश्चात क्या हो जाता है? भ्रूण का विकास हो जाता है और अंडे को तोड़कर अंडे के चारों ओर एक कठोर कैल्शियम युक्त आवरण पाया जाता है, जिसको जीव है तोड़ देता है जब भ्रूण का विकास पूरा हो जाता है। तो परिणामतः अंडे का क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है और स्फुटन से नया जीव बाहर आ जाता है, नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे वे जंतु जिनमें मादा प्राणी द्वारा निषेचित अंड त्यागे जाते हैं, उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। प्रजक उत्पन्न करने वाले, अंडे में नए जीव का विकास होता है और मादा प्राणी विकसित जीव को जन्म ना दे करके निषेचित अंडा ही देती है और वह निषेचित अंडा मादा प्राणी के शरीर से जैसे ही बाहर आता है तो उसमें उष्मायन के बाद निवेशन अवधि के पश्चात क्या हो जाता है? भ्रूण का विकास हो जाता है और उससे नया जीव बाहर आ जाता है, जिसे अपन अंडस्फुटन कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देखें तो जितने भी सरीसृप हैं इनके अंदर उभयचर प्राणी हैं, इनके अंदर पक्षी हैं, इनके अंदर क्या देते हैं? ये अंडे देते हैं और उन्हीं अंडों से नए जीव का विकास होता है। दूसरी बात करें शिशु प्रजक या सजीव प्रजक इनको अपन शिशु प्रजक भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है विवीपेरस। तो ये कौन से जीव हैं? ये वो जीव हैं जिनमें मादा प्राणी के शरीर के अंदर ही युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और एक निश्चित अवधि के पश्चात उस भ्रूण का परिवर्तन हो जाता है नए शिशु के अंदर, विकसित और परिपक्व शिशु के अंदर, और अंततः वह शिशु प्रसव की क्रिया के द्वारा जन्म ले लेता है। यानी वे जीव कौन से? जिनमें मादा प्राणी परिपक्व शिशु को जन्म देती है, परिपक्व शिशु को जन्म देती है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सजीव प्रजक या शिशु प्रजक कहते हैं।
उसके अंदर भी अंगों का विकास शुरू हो जाता है और जब वह विकसित हो जाता है तो प्रसव क्रिया के द्वारा नए शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। नए शिशु के रूप में जन्म उसका हो जाता है। आप यहां पर समझेंगे कि जो भ्रूण का विकास हुआ वो मादा प्राण के सर से बाहर अंडे में हुआ, जबकि इनमें भ्रूण का विकास है वो मादा प्राण के शरीर के अंदर ही होता है और परिवर्तन एक निश्चित अवधि के अंदर होता है। उसके पश्चात शिशु के सभी हाथ पैर विकसित हो जाते हैं। परिणाम पर जब शिशु परिपक्व हो जाता है तो वह प्रसव क्रिया के द्वारा मादा के शरीर से बाहर आ जाता है। कुल मिलाकर के शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु शिशु प्रसव और अंडे उत्पन्न करने वाले अंडे देने वाले जीव हैं वे अंड प्रसव कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं अंडों के भीतर उनमें युग्मन से भ्रूण का विकास होता है। उसके बाद हम प्लांट्स में देखते हैं जितने भी पुष्पी पादप होते हैं उनमें आप जानते हैं कि बाह्य दल और दल इत्यादि पाए जाते हैं। इनमें निषेचन आप समझते हैं कि बीजांड के भ्रूण कोष के अंदर होता है, बीजांड के भ्रूण कोष में निषेचन होता है और वहां पर भी जो युग्मनज है युग्मनज बनता है, जो युग्मनज है ये निषेचन के बाद बनता है और जैसे ही निषेचन हो जाता है तो पुष्प के बाह्य दल इत्यादि टूट जाते हैं, पुंकेसर हैं मुरझाकर झड़ जाते हैं और जो युग्मनज है वह इसमें परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। कुछ पादपों में जैसे भिंडी और टमाटर में भ्रूण के साथ ही आप कह सकते हैं फल के साथ ही उनमें बाह्य दल जुड़े हुए होते हैं। आप देखते हैं कि टमाटर के डंठल के पास में हरे हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना होती है वो बाह्य दल होती है, ठीक वैसे ही भिंडी में भी ये लगे ही रहते हैं। यहाँ युग्मनज जो है उनमें भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और जो बीजांड है वो किसमें बीज में परिवर्तित हो जाता है, साथ ही जो अंडाशय है वह फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसको अंडाशय भित्ति कहते हैं और वह अंडाशय भित्ति इसमें फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। आता है हम ये भी कह सकते हैं कि फल जो है वह क्या है, वह निषेचन के पश्चात अंडाशय भित्ति युक्त यानी भित्ति युक्त जो अंडाशय है वही क्या कहलाता है, फल कहलाता है। जो फल है इसके ऊपर फल वृद्धि के नष्ट होती है, जो बीज हैं ये अंकुर प्रस्तुति में अंकुर होकर नए पादप के रूप में विकसित हो जाते हैं।